हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ योद्धा की ओरिजिन सीरीज आरंभ। चलिए शुरू करते हैं। ये महागाथा है तब की, जब देवताओं के स्वर्ग की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा ने नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा की। उसी के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ ब्रह्मांड का यह महाबली जो कहलाया योद्धा, और यही था सृष्टि का आरंभ। संजय गुप्ता की पेशकश, राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। पाताल समुद्र और पर्वतों में असुर, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, अप्सराएं, ब्रह्म राक्षस इत्यादि प्राणधारी निवास करते हैं। स्वर्ग के निर्माण से पूर्व हिमालय अर्थात सुमेरु पर्वत के उद्यानों में भी देवताओं का वास था। सुमेरु में चार प्रमुख उद्यान हैं, मिश्रवन, नंदनवन, चैत्ररथवन, सुमानसवन। इसके ऊपर अंतरिक्ष है जिसमें ग्रह बुध, शुक्र आदि जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, नक्षत्र अश्विनी आदि जिसमें चंद्रमा गति करते हैं, तारक ग्रहों और नक्षत्रों से भिन्न अन्य तारे तथा तारामंडल घूमते हैं। इसके ऊपर स्वर्ग लोक है अर्थात महेंद्र लोक, किंतु यह कथा स्वर्ग के निर्माण से भी पूर्व की है। पौराणिक दंत कथाओं के आधार पर यह समस्त संसार अथवा संपूर्ण जाति जगत महर्षि कश्यप जी की वंशज है। जुरासिक काल के विशालकाय एवं खूंखार सरीसृप प्राणियों ने पृथ्वी को अपने खूनी पंजों द्वारा रौंद डाला। ईश्वर पृथ्वी पर जिस प्राणी जगत की रचना करना चाहता था, ये रक्त पिपासु और भयंकर मांसखोर प्राणी उसके ठीक विपरीत थे। इनके राक्षसी कृत्यों व कोलाल से पृथ्वी दहल गई थी। अपनी उस प्राण रचना से शुभ ईश्वर ने पृथ्वी पर प्रलय मचाकर उन राक्षस प्राणियों का विनाश अर्थात अंत कर डाला। बूम! हर और घनकोर अंधकार छा गया। तत्पश्चात प्रजापति ब्रह्मा ने नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा लेकर दाहिने अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया और बाएं से उनकी पत्नी को प्रकट किया। यक्ष की दीति अदिति नाम की सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से कश्यप जी ने देवताओं को जन्म दिया। इसी प्रकार दीति के गर्भ से जन्म हुआ दैत्यों का। कश्यप जी की सृष्टि के निर्माण का आरंभ हो चुका था। हे प्रभो, इस महातेजस्वी बालक पर तो नेत्र ही नहीं रुकते, यह अत्यंत तेजोमय है। इस दिव्य बालक के जन्म के साथ ही चहुं ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया है। उष्ण स्वरूप यह बालक कौन है? समझ जगत के अंधकार को दूर करने वाला यह तेजोमय बालक भगवान सूर्य है, किंतु इनका ताप असहनीय है। हे देवादिदेव दिवाकर, इस ताप को कोई सह नहीं सकता। अतः जगत के हित के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि यह सबके सहने योग्य हो जाए, एवं अस्तु। इस प्रकार भगवान सूर्य अपना समस्त ताप समेट कर सूर्य लोक को प्रस्थान कर गए। पुत्र के बिछो का दुख न करो अदिति, क्योंकि अपनी सहस्त्रों किरणों के रूप में वो हर समय तुम्हारे आसपास ही उपस्थित रहेगा। अब हमें अपने शेष संतानों की शिक्षा दीक्षा के विषय में विचार करना चाहिए। किंतु ये सभी बालक क्या कर रहे हैं? रुको, इंद्र धाता भूकंपक प्रमुष्टि, तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो? इंद्र, तुम बताओ। हे ताता, हम इस शिला को यहाँ से हटा रहे थे क्योंकि ये शिला कुछ देर पूर्व ही पर्वत से लुढ़क कर यहाँ आ टिकी है, और कुछ समय पूर्व इसी स्थान पर हमने एक खग को खाई में विश्राम करते देखा था, और यदि इस शिला को हटाया ना गया तो वो खग अकारण ही मारा जाएगा। खग खरगोश। देवता बालक के मुख से ऐसे परोपकार युक्त शब्द सुनकर कश्यप जी गदगद हो उठे और मैं इस शिला को पीछे हटा देता हूँ। आह, खग के प्राण बच गए। अब कश्यप जी दैत्य पुत्रों से मुखातिब हुए। और तुम लोग पर्वतराज को क्यों परेशान कर रहे थे, तुम बताओ भूकंपक। हे तात, जब हमने इंद्र आदि को शिला खिसकाते देखा
तो हमने इसे बल प्रदर्शन समझकर ये पर्वत खिसकाना आरंभ कर दिया। हम उनसे कम नहीं। अदिति वह सुनकर चिंतित हुई। हे मुने, दिति पुत्रों के स्वर एवं विचारों में प्रतिद्वंदिता का आभास होता है। देव और दैत्य भले ही सौतेले भाई हों, किंतु भाइयों में प्रतिद्वंदिता तामसी गुण है। यह अवगुण उचित शिक्षा दीक्षा से ही दूर किया जा सकता है। मैं इनके लिए योग्य गुरु की तलाश करता हूँ। कश्यप जी ने भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए। कश्यप जी ने अपनी मंशा कह डाली। हे प्रभो, कृपा आप ब्रह्मांड के श्रेष्ठ ज्ञानी गुरु के विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। हे मुने, इस ब्रह्मांड में दो ही श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, बृहस्पति और शुक्र। आप इन दोनों में से किसी एक को चुन ले। किंतु कश्यप जी की दुविधा और बढ़ गई। ऐसा कहकर भगवान विष्णु तो अंतर्धान हो गए, किंतु कश्यप जी की दुविधा और बढ़ गई। बृहस्पति और शुक्र जब दोनों ही श्रेष्ठ एवं अद्वितीय है, तो किसी एक को कैसे चुनो? श्रेष्ठता जानने के लिए इन ज्ञानियों की परीक्षा लेने की दृष्टा तो मैं कभी नहीं कर सकता। उन्हें दुविधा में जान बृहस्पति ने कहा, हे मुनि कश्यप, आपका जीवन दिव्य गुणों से भरा हुआ है। स्वयं भगवान विष्णु ने आह्वान करके हमें आपके सम्मुख प्रकट होने का आदेश दिया है। कृपा निसंकोच हमें बुलाने का अपना प्रयोजन बताए। अवश्य महात्मन बृहस्पति, कश्यप जी की दुविधा कम न हुई थी। ईश्वर ने अपनी महिमा दिखाई। ओह, यह मुझे कैसा विचित्र दृश्य दिखाई पड़ रहा है। जहूँ और गहन अंधकार छा गया है, जैसे मैं गहन निद्रा में चला गया हूँ, और अंधकार में यह प्रकाश पुंज कैसा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन या कर्म फुल फल हेतु बुर्म ते षड्गो स्व कर्मणि। कर्म का अधिकार लेकर पैदा होना चाहता हूँ, कर्म के फल में मेरी आसक्ति नहीं। मैं अपना एवं अपने लिए ना होकर संसार का एवं संसार के लिए हूँ। मैं मन, बुद्धि, इंद्रियों, शरीर, पदार्थ, धन संपत्ति आदि से भगवान का हूँ, भगवान के लिए हूँ, भगवान को समर्पित हूँ। हे मुने, मुझे जन्म दीजिए। ओह, वो प्रकाशपुंज एक वीर कर्मयोगी योद्धा में परिवर्तित हो गया है। वो मुझसे जन्म की प्रार्थना कर रहा है। मुनिश्रेष्ठ, उस अंधकार से बाहर निकल आए। ये ईश्वर की महिमा है। ईश्वर ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। दुविधा का कोहरा भी छट चुका था। हे श्रेष्ठ जनों, मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना है जो स्वर्ग से भूलोक तक एक श्रेष्ठ योद्धा बनेगा और ब्रह्मांड की रक्षा करेगा। ऐसा संभव तो है मुनिश्रेष्ठ, किंतु इसके लिए सातों ग्रहों का अनुकूल स्थिति में और उनके योग का सर्वश्रेष्ठ होना अत्यावश्यक है, और ऐसा लाखों वर्षों में ही संभव होता है। आप श्रेष्ठ जन इस कार्य को करने में सक्षम हैं। आप स्वयं भी दो ग्रहों के स्वामी हैं। यदि आप चाहें तो आप शेष पांचों ग्रहों को वशीभूत करके उच्च योग बनाने और उन्हें अनुकूल स्थिति में आने पर विवश कर सकते हैं। शुक्र और बृहस्पति ने इस कार्य को पूर्ण करने में अपनी सहमति दे दी। बृहस्पति और शुक्र पाँचों ग्रह के आह्वान में जुट गए, और जो यह कार्य सर्वप्रथम पूर्ण कर लेगा, मैं उसे ही पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का भार भी सौंप दूंगा। कश्यप जी शंकित थे, किंतु यदि दोनों श्रेष्ठ जन एक साथ ही अपनी संयुक्त योग शक्ति का प्रयोग करके सातों ग्रहों को अनुकूल स्थितियों में लाने में सफल हो गए, तो तब मैं इनमें से किसे सौंपूंगा देवताओं और दैत्य बालकों की शिक्षा दीक्षा का दायित्व। कहते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उफ, ये क्या स्क्रीश। कश्यप जी की दुविधा जान भगवान विष्णु लघु रूप लेकर कश्यप जी की नासिका में प्रवेश। पूरा घटनाक्रम एकाएक ही घट गया था। आछी, उफ, शुक्र की तंद्रा भंग हो गई। ओह अनर्थ, आपकी चीख से आवाज टूट गई। इधर उसी क्षण बृहस्पति ने अपना ध्यान भंग किया। साधना सफल हो गई। हे मुने, सातों ग्रहों के उच्च योग से उत्पन्न हुआ ये है श्रेष्ठ बीज। ये तुम्हें उत्तम पुत्र रत्न प्रदान करेगा। हे महात्म, स्वयं ही इस श्रेष्ठ बीज को अदिति के गर्भ में रोपित कर दें। पुत्री अदिति, इस बीज से तुम्हें जिस पुत्र
रतन की प्राप्ति होगी। वो संसार व ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ पुरुष होगा। नहीं मातमन, नहीं, मुझे ये पुत्र नहीं चाहिए। मातृत्व सुख होने के प्राप्त होने के पश्चात मुझे संतान के बिच्छो का वियोग की जो अनुभूति हुई है वो अत्यंत कष्टदायक है। मैं तो अपने एक पुत्र के बिच्छो का दुख ही नहीं सह पा रही। ऐसे में एक और पुत्र, नहीं, कदापि नहीं मातमन, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। कृपया आप मुझे विवश ना करें, चित्त को संयमित करें माताश्री। सूर्य पुत्र, तुम विश्व के कल्याण के लिए आपके इस पुत्र को आपकी ममता के स्पर्श से दूर सूर्य लोक को प्रस्थान करना पड़ा है। इस बिछो के कारण आप मेरी व्यथा व मन स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकती। यदि आप ही व्यथित होंगी तो मुझे वहाँ सूर्य लोक में कदापि चैन ना पड़ेगा। मुझे आज्ञा दे माताश्री, ताकि मैं अपना तेज महात्मन बृहस्पति द्वारा उत्पन्न इस श्रेष्ठ बीज में रोपित करके अपना अंश उसमें स्थापित कर सकूं। इस प्रकार आपके इस पुत्र के रूप में मैं आपकी ममता छत्रछाया प्राप्त कर सकूंगा और आपको भी इस पुत्र में मेरी उपस्थिति का आभास होगा। मैं अस्वीकार नहीं कर सकती। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही सूर्य का आभामंडल उन किरणों के रूप में महात्मा बृहस्पति की हथेली पर रखे श्रेष्ठ बीज में समा गया। सूर्य साक्षात परमात्मा स्वरूप है, सूर्य से ही सभी जीवों की उत्पत्ति है। यह श्रेष्ठ बीज सूर्य का तेज प्राप्त कर और भी दीप्तिमान हो उठा है। हे महर्षि कश्यप, इसी कमल सरोवर के किनारे में बीज प्रतिष्ठान अनुष्ठान आरंभ करना चाहता हूँ। उस समय स्नान ध्यान के पश्चात अदिति का और आपका भी यहाँ होना आवश्यक है। मैं आवश्यक व्यवस्था करवा देता हूँ। इसके अतिरिक्त अब आप ही मेरे पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का भार भी संभालेंगे। महात्मा शुक्र अपने इस अपमान से क्षुब्ध हो उठे। महात्मा शुक्र, कृपया चलकर आतिथ्य स्वीकार करें। ओहो, तो ये परीक्षा ली थी कश्यप ने। ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न ज्ञानी एवं विद्वान मैं हूँ। अपने पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का दायित्व बृहस्पति को सौंपकर महर्षि कश्यप ने मेरे साथ भेदभाव किया है। उस संध्या से पूर्व पुत्री दीति, तुम यहाँ इस कमल सरोवर के तीर पर व्यथित सी क्यों खड़ी हो? मेरे साथ अन्याय हुआ है महात्मन। महर्षि कश्यप ने मुझे श्रेष्ठ बीज के योग्य नहीं समझा। श्रेष्ठवान को मैं अपनी कोख से जन्म देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये कदापि नहीं चाहती कि अदिति की कोख से जो बालक जन्म ले वो मेरे सभी दैत्य पुत्रों से भी श्रेष्ठ हो। मैं पहले ही भेदभाव से ग्रसित हूँ, क्योंकि कश्यप श्री से बहन अदिति को वे उनके पुत्रों को मेरे दैत्य पुत्रों की अपेक्षा अधिक सम्मान एवं प्रेम मिलता है। और अब ऐसा श्रेष्ठ पुत्र, ये मेरे लिए असहनीय होगा। ये मेरे लिए असहनीय होगा महात्मन शुक्र। किनारे दिति ईर्ष्याग्रस्त थी और इस बात को शुक्र भाप गए थे। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं हो सकता जिससे कि अदिति के गर्भ में रोपित किया जाने वाला श्रेष्ठ बीज मेरी कोख में स्थापित हो जाए? यदि तुम चाहो तो ऐसा संभव है पुत्री दिति। कुछ समय उपरांत बृहस्पति बीज प्रतिष्ठान अनुष्ठान करने वाले हैं। मैं अदिति के गर्भ से श्रेष्ठ बीज को तुम्हारी कोख की ओर स्थानांतरित कर सकता हूँ। क्या सच? क्या ऐसा संभव है? यदि हाँ तो ऐसा ही करें महात्मन, यह आपका मुझ पर किया गया उपकार होगा। इस प्रकार कश्यप का श्रेष्ठ पुत्र पाने का सपना ही चूर हो जाएगा, क्योंकि दिति के गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक दैत्य होगा, देवता नहीं। ही। आप क्या सोच रहे हैं महात्मन? हाँ, कुछ नहीं, जैसा कहता हूँ वैसा करो। शेष सारे कार्य मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें अवश्य ही इच्छित पुत्र की प्राप्ति होगी, जैसी आपकी आज्ञा। महात्मा बृहस्पति ने श्रेष्ठ बीज को अदिति की कोख में रोपित करने का अनुष्ठान पूर्ण किया। जिस प्रकार घर के मध्य में उज्जवल दीपक चहु ओर से संपूर्ण घर को प्रकाशमय कर देता है, इस श्रेष्ठ बीज से उत्पन्न बालक भी अपने वीर बल के अलौकिक प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड एवं संसार को तेजमय कर देगा।
ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मैं धन्य हो जाऊंगी। अब मैं श्रेष्ठ बीज को तुम्हारे गर्भ में रोपित करता हूँ। बृहस्पति की हथेली से तीव्र रश्मियाँ अदिति की कोख में समा गई। रक्षा रक्षा आह ओह शुक्र दैत्य क्राउ। महर्षि कश्यप ने शुक्र दैत्य को तुरंत ही भस्म कर डाला। दुष्ट शैतान क्राउ। ओह ये क्या हुआ, क्या हुआ मातमन? श्रेष्ठ बीज गर्भ प्रतिष्ठान अनुष्ठान के अंतिम क्षणों में दीति अदिति के उदर पर आ गिरी और उसी समय न जाने कैसे श्रेष्ठ बीज अदिति की कोख से दीति की कोख में स्थानांतरित हो गया। क्या क्या सच? आह ऐसा मातमन शुक्र की कृपा से संभव हुआ है? नहीं ये नहीं हो सकता। श्रेष्ठ बीज तो मेरे गर्भ में आ चुका था। अब उस श्रेष्ठ पुत्र को अदिति के स्थान पर दीति जन्म देगी। किंतु दीति तुरंत ही प्रसव पीड़ा से तड़प उठी। आह बृहस्पति तुरंत ही सारा माजरा समझ गए थे। किंतु अब हो क्या सकता था? श्रेष्ठ बालक तो जन्म ले चुका था। अब यह बालक मेरा पुत्र कहलाएगा। पहले यह मेरी कोख में आया था, यह मेरा ही पुत्र कहलाएगा। फिर इसमें मेरे पुत्र सूर्य का भी तेज है। हाँ किंतु अभी तो इसे मैंने ही जन्म दिया है। इसकी माता मैं हूँ और इस नाते इस पर प्रथम अधिकार मेरा ही है। दिति बालक को लेकर चली गई। दुख ना करो अदिति, शायद ईश्वर की ऐसी ही इच्छा हो। हा 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 चीख वाली चाल का प्रतिशोध मैंने ले लिया। तब हे मातमन, जो हुआ सो हुआ, अब कृपा कर आप मेरे सभी पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का दायित्व संभाले। चलिए दोस्तों इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।